नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने जो चर्चा किया था, एग्जैक्टली मार्केट उसके अपोजिट चला। और दोस्तों, हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि यहाँ पर जो है मार्केट एक रिलीफ रैली को एक्सटेंड करेगा, लेकिन वहां पर मार्केट ने एक जर्क दिया। और ये जर्क जो है दोस्तों, जब मार्केट को क्या कहते हैं, जब मार्केट एक बड़े फॉल के बाद एक कंसोलिडेशन में फंसता है, तो ऐसे जर्क आते रहते हैं। इसलिए इन जर्क से कभी भी आप परेशान मत होना। इसकी चर्चा अभी हम वीडियो के अंदर करेंगे, आगे चलेंगे और डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज जो है आरबीआई के मिनट्स रिलीज हुए हैं, जो उन्होंने अभी लास्ट अभी जून के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए थे। तब जो गवर्नर साहब ने अपने पूरी मीटिंग के दौरान जो भी डिस्कशन होता है उनको मिनट्स के रूप में वो पब्लिश करते हैं, और आज वो बुलेटिन पब्लिश हुआ है, इस बात का याद रखना। तो बुलेटिन, आरबीआई बुलेटिन के अंदर क्या निकल के आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इस चीज का मार्केट से बिल्कुल कोरिलेशन भी रहेगा। इस चीज को आप पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, होता क्या है, आरबीआई बुलेटिन जो है वो पब्लिश करता है, जो भी पांचों जो एमपीसी के मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द आरबीआई गवर्नर साहब, वो क्या क्या अपना मत देते हैं, कि उनका क्या क्या स्टांस है, क्या क्या उनका व्यू है अपकमिंग आगे आने वाले टाइम के लिए। तो यहाँ पर आरबीआई के ऑल जो 5 मेंबर्स हैं, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, आरबीआई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस बुलेटिन में उन्होंने ये कहा है कि हम लास्ट क्वार्टर, यानी कि लास्ट क्वार्टर के अंदर, ध्यान समझिएगा इस बात को, मेजर जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है इकोनॉमी में, वो केवल और केवल इन्फ्लेशन की चल रही है। जीएसटी कलेक्शन जो है बिल्कुल ओके चल रहा है, अगर मैं बात करूं तो जीएसटी कलेक्शन बिल्कुल ओके चल रहा है, और मतलब कंपनीज की सेल्स वगैरह सब कुछ वो एवरेज से ऊपर ही चल रही है। ठीक है, और तो यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम है, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी डाटा पॉइंट्स बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, जो कि मंथली बेसिस के ऊपर रिलीज किए जाते हैं। बस एक ही मेजर प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, वो है इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहा गया है, उन्होंने ये कहा है कि जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है 2022-2023, ठीक है, ये जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है, इसके लास्ट क्वार्टर तक हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सक्षम हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद आरबीआई गवर्नर साहब बोल रहे हैं अपने बुलेटिन के अंदर। अब लास्ट क्वार्टर जो शुरू होता है दोस्तों, वो शुरू होता है जनवरी टू आपका मार्च। तो इन्होंने ये कहा है कि हम दिसंबर तक जो है अपना इन्फ्लेशन जो है वो हम कंट्रोल कर लेंगे, और आरबीआई गवर्नर की जो आरबीआई की जो एक डेडलाइन होती है, जिसको आरबीआई कहता है कि भाई हम 6% तक इन्फ्लेशन को झेल सकते हैं, लास्ट 2 से 3 क्वार्टर में ये इन्फ्लेशन 6 से ऊपर गया है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने पड़े, रैपिडली करने पड़े, कंसिस्टेंटली पर मंथ के बेसिस के ऊपर करने पड़े, लेकिन 6% का अगर इन्फ्लेशन रहता है इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, आरबीआई गवर्नर साहब का ये मानना है, और 6% की एक्सपेक्टेशन आरबीआई गवर्नर के हिसाब से बिल्कुल एवरेज है। तो यानी कि 6% तक अगर वो आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं कि भाई हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे, तो वो ये कह रहे हैं बेसिकली डायरेक्टली कि भाई 6% तक हम ले आएंगे दिसंबर जनवरी तक अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके, इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान है। तो ये जो चीज है, मैं कहीं ना कहीं इसको अगर डायरेक्टली कोरिलेट करता हूं मार्केट से, तो दोस्तों ये चीज जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, और ये एक मतलब कहते हैं ना कि पॉजिटिवनेस जब आती है ना, तो मार्केट जो है मतलब उसको पहले से पहले ना उसको क्या कहते हैं, उसको मतलब आइडेंटिफाई कर लेती है। ठीक है, तो जो ये पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के लिए आरबीआई गवर्नर की, इस चीज को यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट एक रैली देने की शुरुआत कर रहा है। अब ये बॉटम जो है एग्जैक्ट यही बनेगा या एग्जैक्ट 15,000 के आसपास बनेगा, ये ऊपर नीचे 100-200 पॉइंट चल सकता है, लेकिन अगर मैं आज की डेट में ये बोलूं कि भाई 12,000 मार्केट आ रहा है, ठीक है, या फिर 13,000 मार्केट आ रहा है,
ठीक है, मैं ऐसी बात नहीं समझता, मतलब मैं ऐसा नहीं समझता पर्सनली, ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है 15,000 के आसपास मार्केट के अंदर बॉटम बनने की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अब जो आज का जर्क है, ये जर्क तो दोस्तों आते रहेंगे, ये बुलिश रन के अंदर भी ऐसे जर्क आते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो अभी तो बुलिश रन चालू भी नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको पहले से ही समझा देता हूँ कि मार्केट क्या करती है। मार्केट इतने बड़े फॉल के अंदर जब आती है ना, तो वो क्या करती है, वो पहले कंसोलिडेशन करती है, ठीक है, कंसोलिडेशन करती है, फिर जाके अपनी रैली को चालू करती है। तो ये कंसोलिडेशन के अंदर इस तरीके के जर्क आपको मिलते रहेंगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये चीज कही थी कि आप गिरते हुए मार्केट के अंदर बेयरिश पोजीशंस मत बनाना, अगर आप बनाओगे तो आप कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो सकते हो। ये मैंने आपको आज क्लियरली कही थी, क्योंकि डाटा पॉइंट उस चीज के फेवर में है ही नहीं कि यहां पर मार्केट नीचे जाए, तो इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप अगर आपने यही ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको बताता रहता हूं मैं कि लाइव डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आपको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि करंट सिचुएशन के अंदर यहां पर अभी जो है एक छोटा सा कंसोलिडेशन जा सकता है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, जैसे कि ये कंसोलिडेशन चला था मूव आने से पहले, ऐसा ही कंसोलिडेशन दोबारा से सेम लेवल के ऊपर, ये सेम लेवल है दोस्तों, सेम लेवल के ऊपर हो सकता है। इस सेम लेवल के अंदर जर्क ऊपर नीचे चलता रहेगा मार्केट, लेकिन एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा रहेगा। तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है, इसकी एक्सपेक्टेशन है, और ये कंसोलिडेशन रेंज कम से कम 8 से 10 जुलाई तक हो सकती है एज पर द डाटा पॉइंट्स। बात समझ में आ गई, तो इसीलिए अगर ये होता है, ये कंसोलिडेशन अगर होता है, तो ये मार्केट लिए मतलब पॉजिटिव है, ये समझो मार्केट के लिए मतलब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है अगर कोई रैली को शुरुआत करनी है। तो इतनी जल्दी मतलब मार्केट इतना बड़ा गिरा है और एकदम से मार्केट वीशेप रिकवरी कर दे तो इट इज नॉट पॉसिबल। रिकवरी करने से पहले मार्केट को कंसोलिडेशन करना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। बात समझ में आ गई, तो मैं इसलिए इस फेवर में हूं, मैं ओपनली बता रहा हूं कि मैं इस कंसोलिडेशन का पार्ट तो बनाऊं, लेकिन इस कंसोलिडेशन में मैं नीचे के डिप जो आएंगे उसको मैं बिल्कुल भी प्ले नहीं करूंगा। आई विल नॉट प्ले द डिप्स, मतलब नीचे की तरफ के मूवमेंट्स में प्ले नहीं करूंगा, डिप में मैं बाय करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बाकी जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताता रहता हूं मैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये हो गई बात कि मुझे ऐसा क्या लगता है बुलेटिन पढ़ने के बाद, और वो चीज मतलब फीजेबल भी है, क्योंकि इतना बड़ा जो फॉल है वो 3,500 से 3,500 पॉइंट का जो फॉल हुआ है पिछले 6 से 7 महीने के अंदर, क्लियर। तो दोस्तों वो मतलब केवल और केवल इन्फ्लेशन की वजह से ही हुआ है, मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहेंगे ये रशिया यूक्रेन की वजह से हुआ है, भाई ये रशिया कहेंगे, मुझे पता है रशिया यूक्रेन का जो वॉर शुरू हुआ था दोस्तों वो फरवरी में चालू हुआ था, ठीक है, इस लेवल के आसपास चालू हुआ था, इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो मतलब समझो इस बात को, ये जो पीछे का फॉल हुआ था यहां पर तो रशिया यूक्रेन तो नहीं था, तो ये रशिया यूक्रेन को केवल आप जोड़ के देखते हो ना इस फॉल से, तो वो डेट इज नॉट गुड। यहां पर फॉल तो अक्टूबर से चालू हो चुका था, तो प्लीज कमेंट में मत लिखना ये सब चीजें, क्लियर हो गई बातें, ओके। चलिए अब दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी एनालिसिस, जो मार्केट को कल एक्सपायरी है तो हम मार्केट में क्या देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रेडिक्शन जो है, फिलहाल प्रेडिक्शन जो है वो एक कंसोलिडेशन का दिखा रहा है। प्रेडिक्शन के हिसाब से फाइनल सपोर्ट जो है, पिछली बार जो सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट जो है वो आप देख लीजिए, प्रेडिक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, 15,200 के आसपास ही ये मेजर फाइनल सपोर्ट है, क्लियर। तो मैं पर्सनली मैं तो यहाँ पर नीचे गिरते हुए मार्केट को प्ले नहीं कर रहा हूँ, पहले ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। दूसरी चीज, अगर मैं ऑप्शन चेन को देखूं तो ऑप्शन चेन जो है वो मुझे क्लियरली बता रही है कि 15,200 के ऊपर जो है यहाँ पर पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होनी शुरू हुई है, हालांकि मार्केट नीचे गिरा है फिर भी स्क्वायर ऑफ हो रही है, तो ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है, याद रखना इस चीज को, ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मार्केट को बड़ा मूव दिखाना होता तो यहाँ पर पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होती। बात सिंपल सी समझो, ये पुट साइड की जो पोजीशन है ये भी स्क्वायर ऑफ हुई है, तो इसलिए ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर बियरिश तो कम से कम नहीं है, इस बात को ख्याल रखना, बियरिश नहीं है ऑप्शन चेन, क्लियर हो गई बात। बाद अगर मैं करूं कि ऑप्शन चेन है कैसी, तो वो आप यहाँ पे समझो कि मेजर जो रेसिस्टेंस है वो 15,600 के ऊपर है,
15,600 के ऊपर है, 15,500 के ऊपर मेजर रेसिस्टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी अभी 60,000 पोजीशंस ओपन है, लेकिन 600 के आसपास पोजीशंस यहाँ पे बिल्कुल भी ओपन नहीं है। तो रेसिस्टेंस जो है वो यहाँ पर अभी भी 15,600 का है। बात हो गई समझ में क्लियर। बात करते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट जो है 15,200 का, क्योंकि यहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है, तो 15,200 और 15,300, तो मेजर सपोर्ट जो है वो 15,300 का है। तो अब अगर मैं सिंपल बताऊं अपनी स्ट्रेटेजी, अगर मुझे कल मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास मिलता है गैप अप होके, मैं बाय नहीं करूंगा। अगर मुझे मार्केट कल अपने सपोर्ट के आसपास मिलता है, मैं डेफिनेटली एक छोटा सा स्टॉप लगा के बाय करूंगा। बात समझ में आ गई। कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के वक्त जो है ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग मत करना। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर एक छोटी सी रेंज बन के आ रही है यहाँ पे, छोटी सी रेंज जो कि आपकी मतलब 400 का ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर भी 1 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर मार्केट 400 के ऊपर खुला तो 400 भी एक मेजर सपोर्ट बनेगा, और फिर यहाँ पे 400 और 600 यानी कि 200 पॉइंट के अंदर मार्केट खत्म हो जाना चाहिए कल के दिन। तो मेजरली कल एक रेंज बाउंड मार्केट टाइप का मेजरली दिख सकता है 1 बजे तक, ठीक है, 1 बजे तक यहाँ पे मेजरली यहाँ पे एक रेंज बाउंड टाइप का मिल सकता है। लेवल आपको बता दिया, रेसिस्टेंस का बता दिया, सपोर्ट का आपको बता दिया। सपोर्ट के आसपास मिलेगा मार्केट तो मैं बाय करूंगा, कल अगर मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास मिलेगा तो मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करूंगा स्टॉप लॉस के साथ। दोनों चीज में स्टॉप लॉस के साथ ही करूंगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी दोस्तों ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे, बैंक निफ्टी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि देखो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन ही हो रहा है बैंक निफ्टी में भी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेजरली इस रेसिस्टेंस, ये जो कैंडल बनी थी ना इतनी लंबी, इसके टॉप पे जैसे ही निकल जाएगा ना मार्केट, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, तभी ये रैली एक्सटेंड होगी। और इसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अभी एकदम से वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो सिचुएशन इतनी सी है कि सपोर्ट जो है वो यहाँ पर है 32,400 के आसपास, 32,500 के आसपास, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, कल के दिन काम करेगा। और रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों 33,200 या 33,300 के आसपास का, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कल मेरे हिसाब से ज्यादा हमको एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए, और मार्केट को थोड़ा सा एक्सपायरी को क्लोज करने दीजिए, फिर मार्केट अगले हफ्ते के लिए जो प्रिपरेशन करेगा। देखिए अगला हफ्ता जो है ना वो एक्सपायरी हफ्ता है, ठीक है, एक्सपायरी के अंदर मार्केट क्या करेगा वो इम्पोर्टेंट होगा देखना। एक्सपायरी वीक जो है मंथली एक्सपायरी वीक है, ठीक है ना, अगले मंथ वो अगले वीक से जो शुरू होगा, तो एक्सपायरी वीक के अंदर पोजीशन शॉर्ट वाली जो है वो क्लोज होंगी। अगर क्लोज होंगी तो मार्केट अगले महीने अच्छा रहेगा, क्लोज नहीं होंगी तो मार्केट फिर एक कंसोलिडेशन में चला जाएगा अगले महीने के लिए भी। तो हमें अगला मंथ मतलब मंथ एंड का जो वीक है ना उस पर नजर रखनी होगी फ्राइडे से। तो मेजर हमें एक्टिविटी फ्राइडे से फोकस में रखनी होगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इन सब बातों का ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज इंपॉर्टेंट और है जो रिलायंस को लेके है, अपडेशन मैंने दिया था आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। देखो भाई रिलायंस जो है ना दोस्तों, उसमें यहाँ पर 2480 से लेके और 2500 की जो रेंज है ना वो एक सपोर्ट की रेंज है, ठीक है, इस बात को ख्याल रखना। तो और देखो एक बात और है रिलायंस के अंदर, देखो जरा फटाफट से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ रिलायंस के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पर अब रिलायंस में वॉल्यूम जब ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो बड़ा होता है, रेड कलर की कैंडल बनती है तो छोटा होता है। खुद समझ जाओ कि यहाँ पर इस रेंज के अंदर क्या करने की कोशिश की जा रही है। इस वाली कैंडल को भूल जाना, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के यहां से देखना फोकस में, यहां से मतलब यहां से लेके और यहां तक खुद चेक करना क्या हो रहा है, ठीक है। तो रिलायंस यहां पर लीड करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा मार्केट को, निफ्टी को स्पेशली, मार्केट को यानी कि निफ्टी को यहाँ पे लीड कर सकता है रिलायंस, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच रहा है। कौन? रिलायंस। रिलायंस के ऊपर कल फोकस रखना, रिलायंस लीड करेगा तो निफ्टी भी लीड करेगा। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन दबाते नहीं हो बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं कल लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।